आपका स्वागत है। मैं रेखा जैन ही चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। समारोह पूर्वक मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भाजपा ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री गहलोत का पुतला फूंका। 7 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ शुभारंभ। और नरेगा कार्यों का किया निरीक्षण, लापरवाह में टूटिया पाबंद। अब समाचार विस्तार से। समारोह पूर्वक मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। शिवगंज से अशोक माली की रिपोर्ट के अनुसार शिवगंज के कप पैलियन में नगर के 800 से 900 युवक युवतियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को समारोह पूर्वक मनाया, जिसमें सर्वप्रथम नगर पालिका अध्यक्ष कंचन सोलंकी एवं SDM भागीरथ चौधरी, आयुर्वेदिक डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने महर्षि पतंजलि योग प्रवर्तक एवं धनवंतरी की तस्वीर पर पुष्पमाला व दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पदाधिकारी रामसिया रावल एवं शिवलाल सुथार द्वारा कर्मबद्ध योग पर करवाए गए। इस मौके पर महिलाओं पुरुषों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस मौके पर पार्षद प्रकाश भाटी, जैसाराम माली, BJP नेता दिनेश बिंदल एवं शहर के गणमान्य नागरिक एवं समस्त प्रशासन अधिकारी उपस्थित रहे। इसी प्रकार बड़गांव पंचायत के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कामेश्वर कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थाना राम मेघवाल वार्ड पंच ग्राम पंचायत बड़गांव के मुख्य अतिथि में आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय संस्था प्रधान दिशाराम मीणा ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती को दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानकारी दी। शारीरिक शिक्षक सुशीला चौधरी, शंकरलाल मीणा व प्रबोधक भीलड़ा ने योगासन करवाया। इस मौके पर स्थानीय विद्यालय स्टाफ मधुबाला सिंदल, मनोरी मेघवाल, रमेश कुमार, दुगाराम बावरी, शंकरलाल मीणा, गजेंद्र सिंह, जवानाराम मीणा आदि उपस्थित रहे। स्वरूपगंज राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय और आदर्श विद्या मंदिर के योग दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम सवेरे 7 बजे से 8 बजे तक चला। योग दिवस पर विद्यालय प्रांगण में शारीरिक शिक्षक रामलाल पटेल और प्रधानाचार्य अमृतलाल सिंदल ने योगाभ्यास करवाया। इसी प्रकार आदर्श विद्या मंदिर के व्यवस्थापक भरत प्रजापत ने उपस्थित लोगों को योगाभ्यास करवाया। योग दिवस पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वही स्वरूपगंज में योगाभ्यास की व्यवस्था भावरी ग्राम पंचायत की ओर से भी की गई। इसी प्रकार आग रोड से लेख अहमद की रिपोर्ट के अनुसार शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्लॉक स्तरीय समारोह आयुर्वेदिक एवं स्वायत्त विभाग के तत्वाधान में शांति कुंज में सभी संगठनों एवं प्रशासनिक आला अधिकारी योग शिविर में मौजूद रहे। वही महिला व नगर के आम नागरिक भी योग दिवस पर योग की क्रिया एवं योग दिवस को निपुण रूप से मना रहे थे। इसी अवसर पर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल, सुरेश कोठारी, तहसीलदार आबुरू, विकास अधिकारी अर्जुन सिंह, आंगनवाड़ी पंचायत समिति, तहसील, चिकित्सा विभाग, आयुर्वेदिक विभाग, नगर सुधार न्याय के कर्मचारियों सहित शहरवासी मौजूद थे। इसी प्रकार योग दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में बड़े पैमाने पर योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर शांतिवन के डायमंड हॉल में आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। योग दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेने पहुंचे आबुरू रेवदत्त विधायक जगसीराम कोहली ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में इसके प्रति जागरूकता लाई है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। वह प्रत्येक मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए ये जरूरी है। इसी प्रकार योग दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में बड़े पैमाने पर योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर शांतिवन के डायमंड हॉल में आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। योग दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेने पहुंचे आबुरू रेवदत्त विधायक जगसीराम कोहली ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में इसके प्रति जागरूकता लाई है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। यह प्रत्येक मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बड़े व्यापक रूप में इसे आयोजन किया है, इसलिए हमें इससे ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष BK करुणा ने कहा कि योग हमेशा तन और मन को निरोग बनाता है, इसलिए हमें इससे ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष BK करुणा ने कहा कि योग हमेशा तन और मन को निरोग बनाता है, इसलिए अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इससे मनुष्य को अपनी बुराई पर विजय पाया जा सकता है। कार्यक्रम में ज्ञानामृत के प्रधान संपादक BK आत्म प्रकाश, BK गीता बहन, BK मोहन सिंधल समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त
किए। इस मौके पर उमरनी की उप सरपंच नंदा, बीके भानु, बीके ईश्वर, अनूप सिंह, बीके चंदा, बीके कृष्णा, बीके मोहन, बीके अमरदीप सहित कई लोग उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज हमारे सिरोही जिले अब रोड में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से योग दिवस पर आज मैं ज्यादा संख्या में जो पधारे जो हैं, मैं विशेष तौर से संस्था को मैं मेरी ओर से शुभकामना देना चाहूंगा कि योग जो मनुष्य जीवन में अपने शारीरिक के लिए जो महत्वपूर्ण जो अंग जो है, चीज जो है, इनको सभी मानते हुए और मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं इसमें खुद सम्मिलित जो हुआ है और अपन सब प्रत्यक्ष रूप में अपन देख रहे हैं कि ज़्यादा संख्या में और ये जो हमारे भाई बहन जो है योग करके और योगा के देखते हुए अपने शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण से और देश के हमारे प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो घोषित जो किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप सभी से निवेदन है कि योग करें। योग से तन मन सब सुरक्षित रहता है, शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। योग बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मोदी जी ने पूरे भारत, पूरे विश्व में ये नाम किया है और योग दिवस का घोषणा करके बहुत अच्छा किया है। आज सबको योग दिवस की मेरी तरफ से शुभकामनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाना स्टार्ट किया है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी। सर्वप्रथम तो भारत की जनता को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी ये कार्यक्रम शुरू किया है वो बहुत ही अच्छा है और युवाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि अगर वो प्रतिदिन 15 से 10 मिनट भी अगर योग करते हैं तो उनमें सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि योग से एक शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान होता है, शरीर के मानसिक शारीरिक सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। योग जो है एक जीवन शैली है अपने आप। भाजपा ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री गहलोत का पुतला फूंका। अब रूट से लेके अहमद की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा आज नगर पालिका के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। रेंदर विधायक जगसी राम कोहली, भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित के नेतृत्व में भाजपा पार्षद व पदाधिकारी सुबह नगर पालिका के बाहर एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने लिविंग मांगों एवं जनहित के कार्यों को पूरे नहीं करने के लिए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एवं राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। पार्षदों ने बताया कि पिछले एक साल से नगर पालिका द्वारा नक्शे पास नहीं किए गए हैं, लोग अपने घरों को मरम्मत करवाने के लिए भी नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, वहीं शहर के साफ सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। इस अवसर पर विधायक जगसी राम कोहली, जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित, राजेंद्र अग्रवाल, मगनदान चारण दीपक राणा, कदीर कुरेशी, हाजी जहूर खान सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। एवं जांच रिपोर्ट का हेल्थ एक्सपर्ट द्वारा परामर्श शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर के प्रथम दिन 40 रोगियों ने जांच करवाकर स्वास्थ्य लाभ लिया एवं इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष
प्रमोद सिंघल, महेंद्र मरडिया, सेलिस जैन, संपद राज मेवाड़ा, सलीम खान, नरपत सिंह, अशोक बंसल, मोहित शर्मा सहित प्रिवेंटिंग केयर लैब के अधिकारी मौजूद थे। कंपनी के प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा बाजार दर से बहुत ही कम दर पर विश्वसनीय स्वास्थ्य जांचें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जांच के पश्चात महावीर इंटरनेशनल आबू रोड द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ परामर्श की सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नरेगा कार्यों का किया निरीक्षण, लापरवाह मैट को किया पाबंद। आबू रोड से ले गैमर की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर सिरोही के निर्देशानुसार सचिव नगर सुधार न्याय आबू की कुशल कुमार कोठारी ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत आवंटित ग्राम पंचायतों चंडेला, बहादुरपुरा, चलार में नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया गया। साबो की नाड़ी सौंदर्यकरण कार्य चंडेला में नियोजित श्रमिक उन 50 में से 45 की उपस्थिति दर्ज की गई, परंतु निरीक्षण के समय 45 के स्थान पर 41 पाई गई। मौके पर मेडिकल किट उपलब्ध नहीं पाया गया। उक्त संबंध में ग्राम विकास अधिकारी कनिष्ठ सहायक व मैट को सख्त हिदायत दी गई। इसी प्रकार मॉडल तालाब खुदाई चंडेला, खेतला बावसी नाड़ी खुदाई चोटीला, चनार में नियोजित श्रमिक 106 में से 30 उपस्थित पाए गए, जिससे एक श्रमिक एफजी पाया गया। उक्त संबंध में मैट को नोटिस जारी करने हेतु सचिव को निर्देश दिए एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस हेतु उपस्थित कार्मिकों को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान डिस्प्ले बोर्ड लगाने, टास्क के अनुसार कार्य करवाए जाने एवं औसत मजदूरी को बढ़ोतरी करने हेतु उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, रोजगार सहायक एवं मैट को निर्देश दिए गए। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय सिरोही।